हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 आप लोगों जो आरटीआई लगाए थे उसके आपके एप्लीकेशन नंबर को हम देखने वाले हैं। आरटीआई का एक्सेप्ट हुए हैं जिन जिन कैंडिडेट का। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे कि मेरे बहुत से फैंस बोलते हैं कि सर मेरे को अपने नंबर चेक करना है, मेरे को कट ऑफ चेक करना है, मेरे को यह पता करना है कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से, ओनली आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ने अभी तक मेरे पास जिन जिन ने एप्लीकेशन लगाया था, जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा जो जो मेरे पास अभी तक एप्लीकेशन आए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक मैं इसके ऊपर करीबन 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपका नाम निकल गया हो तो आप जाइए उन वीडियो में चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 5 भी लिस्ट है। इसमें अंतिम नाम है जो अभी तक मेरे पास प्राप्त हुए हैं एप्लीकेशन। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट ने मेरे पास इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की है तो मैं उन कैंडिडेट से कॉल करके बात कर लूंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। एक दो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनसे बना नहीं है इन्फॉर्मेशन सबमिट करते। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक नाम को जो अभी तक हमारे सामने निकल के आए हैं, आरटीआई एक्सेप्ट हुई है जिनकी। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं क्या कि यदि आप बिहार दरोगा की हिंदी की क्लासेज अटेंड करें तो जल्दी कल परसों से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो आप प्लीज इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर फर्स्ट नाम निकल के आ रहा है किसका, सतीश कुमार राम। जी हाँ दोस्तों, इनका एप्लीकेशन नंबर हम बताने वाले हैं और इनकी है पेमेंट रिसीप। दोस्तों फर्स्ट इसमें इनको इसलिए लिया है क्योंकि सतीश कुमार राम जी एक ऐसे पर्सन हैं जो कि दो कैंडिडेट के बदले इन्हीं की आईडी जनरेट होके आई है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक का नाम तो है विकास कुमार और एक का नाम है क्या, संजय कुमार चौधरी। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे कैंडिडेट जिनका एप्लीकेशन करने के बाद हमको रिस्पांस में एप्लीकेशन आईडी के रूप में सतीश कुमार राम जी का यहाँ पर डाटा मिला। जी हाँ दोस्तों, आप देखिएगा इनका पेमेंट रेफरेंस देखिएगा 84 है। अभी हम बात करेंगे विकास कुमार की तो उनका 85 आ जाएगा और नाम इन्हीं का रहेगा सतीश कुमार राम जी का। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या इनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की जा रही, रिजेक्ट की जा रही, अब उसका रीजन वो ही जाने। संजय और विकास इन दो नाम के बदले हमको नाम मिल रहा है सतीश कुमार जी का। चलिए ये तो हो गया सतीश कुमार का, अब हम देखते हैं संजय और विकास का। जैसे कि जी सतीश कुमार जी के एप्लीकेशन नंबर जी देख सकते हैं BR20205479 ओके। और यहाँ पर इनका जो ईमेल आईडी से SK से स्टार्ट होता है और 77 इनका स्टार्टिंग बर्थडे कॉन्टेक्ट का और लास्ट का है 93। चलिए ये हो गया सतीश कुमार जी। अभी आपने देखा था 84 है इनका पेमेंट रेफरेंस, है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, विकास कुमार की। तो दोस्तों यहाँ पर 85 आ गया आपका रेफरेंस देख सकते हैं, मतलब कि पेमेंट कटा है। और विकास कुमार जी का जो ईमेल, मतलब कि हमको आना चाहिए था इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन इन्हीं के नाम से आया है विकास कुमार जी का ओके। इसी प्रकार से एक और पर्सन है अब 85 के बाद, अभी आप देखिए 86 आ गया। 86 में भी यहाँ पर संजय कुमार चौधरी की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमको रिस्पांस में एप्लीकेशन आईडी के रूप में सतीश कुमार राम के नाम से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों अब एक ऐसा इशू है, समझ में नहीं आया कि आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया आरटीआई में, इन्हीं के नाम से आप लोगों का आरटीआई का रिप्लाई आया है, या फिर हो सकता है हम इनको दोबारा से ट्राई करें, बट जैसा हुआ मैंने आपको बताया है क्योंकि मेरा दायित्व तो था बताना। चलिए एक और पर्सन है, अभी हम देखेंगे किसका, मंजय लाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सतीश कुमार जी का जैसा बता दिया मैंने, अब जो है मंजय लाल। चलिए जी तो हो गया मंजय लाल जी, बट मंजय लाल जी के स्थान का एक हो गया, लेकिन इन्हीं के नाम से एक और है अमर कुमार। जी हाँ दोस्तों, अमर कुमार जी का भी इन्हीं के नाम से निकल के आया है। आप इनका बैंक रेफरेंस नंबर देख सकते हैं 90 है लास्ट में, पेमेंट सक्सेसफुल ओके। इसी प्रकार से आप 91 देखिएगा, ये भी मंजय लाल जी हैं। यहाँ पर दो दो पर्सन, मतलब कि एक तो मंजय का हो गया और एक हो गया अमर कुमार। अमर कुमार की डिटेल्स डालने के बाद भी हमको मंजय कुमार के नाम से ही
एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुई है। तो दोस्त मंजर जी, आपके पास यदि यहाँ पर डबल डबल ईमेल प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग डिटेल्स से, तो आप कांटेक्ट करें या फिर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं इन लोगों के फिर से अप्लाई करूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आप देखते हैं कैंडिडेट के नाम एक वन बाय वन करके दो हो गए यहाँ पे और तीन एक ही नाम से जनरेट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मंजर लाल जी का है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, अब नाम निकल के आता है किसका, आमोद कुमार। आमोद कुमार जी, आपका पेमेंट रेफरेंस आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर क्या है, BR20205478। और बात करें क्या आपकी ईमेल आईडी की, तो आमोद से स्टार्ट होता है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर स्टार्टिंग है 85, वो लास्ट का है 37। इसी प्रकार से नेक्स्ट पर्सन का देखते हैं, आप नाम निकल के आता है दिग्विजय कुमार सिंह। दिग्विजय जी, आपका जो पेमेंट आप देख सकते हैं रिसीप्ट, और यहाँ पे आपका जो BR20205478। ओके, चलिए हम देखते हैं आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिग्विजय से स्टार्ट होता है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर 82 से चालू होता है और 51 पे अंत होता है। चलिए देखते हैं अगला। अब अगला नाम निकल के आता है सुधा कुमारी। सुधा जी, आपका भी यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है RTI, और आप देख सकती हैं आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है, और आप यहाँ पे देख सकती हैं आपका जो है एप्लीकेशन नंबर। आप चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, जो करना चाहें वो कर लें। यहाँ पर आपका है BR20205471। ओके, सुधा कुमारी जी, आपका ईमेल आईडी सुधा से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर 88 स्टार्टिंग और लास्ट का है 66। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगले पर्सन का नाम निकल के आता है MD वकील। जी हाँ दोस्तों, MD वकील जी, आपका भी यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है RTI, ना कि रिजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, MD वकील नाम से, और आपका यहाँ पर पेमेंट रेफरेंस है, और आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो है एप्लीकेशन नंबर BR20205473, और आपका यहाँ पर ईमेल आईडी MD वोकल से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर स्टार्टिंग है 73 और लास्ट होता है 80 पर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। अगले पर्सन निकल के आता है सुनील कुमार, यहाँ पर अग्राही क्या नाम है, हाँ। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनका, इनका ईमेल आईडी है, मतलब कि इनका एप्लीकेशन नंबर है क्या, BR20205474। ओके, और आपका ईमेल आईडी आप समझ रहे होंगे AC से स्टार्ट है, आपका किससे, AN से स्टार्ट है, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर 70 स्टार्टिंग और लास्ट है 27। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नाम निकल के आता है मोना हिदुल खान, क्या नाम है, हाँ जी। चलिए देखते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है आपका BR20205475। ओके, और आपका जहाँ कॉन्टैक्ट या फिर ईमेल आईडी स्टार्टिंग है कैसे, और आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट है 87 और 71 लास्ट। चलिए अगला नाम निकल के आता है पंकज कुमार जी। पंकज जी, आपका भी यहाँ पर सक्सेसफुल है RTI। आपका एप्लीकेशन नंबर आप देख लीजिए BR20205476, और आपका जो ईमेल आईडी है PK से स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर 91 स्टार्टिंग और लास्ट है 27। चलिए नेक्स्ट पर्सन है विवेक कुमार। विवेक जी, आपका भी एक्सेप्ट हुआ है RTI, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया है BR20205477। ओके, और इसी प्रकार से आपका BK से ईमेल आईडी स्टार्टिंग है, कॉन्टेक्ट है 91 और लास्ट है 51। ओके, जो कि सबमिट किया गया है। नेक्स्ट नाम निकल के आता है संजय कुमार। संजय जी, आपका भी RTI एक्सेप्ट हुआ है, और आप यहाँ पे देखिएगा क्या आपका जो एप्लीकेशन नंबर है BR20205475। ओके, संजय कुमार, आपका कॉन्टेक्ट नंबर 76 स्टार्ट है और 64 पे एंड है, और संजय से आपका ईमेल आईडी स्टार्ट है। इसी प्रकार से नाम निकल के आता है छोटू कुमार सुमन। तो छोटू जी, आपका भी यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है आपका RTI, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है BR20205475। आपका जो ईमेल आईडी है छोटू से स्टार्ट है, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 70, लास्ट का है 47 43। चलिए नेक्स्ट नाम निकल के आता है क्या, प्रकाश पासवान। प्रकाश पासवान जी, आपका भी एक्सेप्ट हुआ है, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर
एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है क्या, दिया 2020547 56, इसको नोट कर लें, या फिर आप चाहें क्या, आप चाहें तो यहाँ पर इसको आपका जो है देखिएगा वो नेक्स्ट पर्सन का है शायद, अंगले का मैं आपका पोज लेना भूल गया, आप यहीं से नोट करिएगा एप्लीकेशन नंबर BI 2020547 56, नेक्स्ट पर्सन नाम निकल के आता है किसका, अंकित कुमार, जे अंकित कुमार का है, ओके BI 2020547 56, नेक्स्ट है। तो दोस्तों नेक्स्ट राकेश कुमार जी का निकल के आता है, यहाँ पर इनका भी BI 2020547 57, नेक्स्ट नाम निकल के आता है क्या, यहाँ पर राकेश कुमार जी के डिटेल्स, नेक्स्ट नाम निकल के आता है खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी जी आपका भी यहाँ पर सक्सेसफुल है ITI, आपके यहाँ पर डिटेल्स में आप देख सकते हैं BI 2020547 60, और नेक्स्ट नाम देखते हैं अगला नीरज कुमार, नीरज जी आपका भी आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हुआ है RTI, अब यहाँ पर आपके डिटेल्स है तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं BI 2020547 62, और आपका ईमेल एड्रेस स्टार्टिंग है क्या है समझ में नहीं आ रहा, MA ऐसे कुछ है स्टार्टिंग, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 85 और लास्ट है 09। इस प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट नाम और है पंकिल कुमार, जो कि अभी मैंने शायद बता दिया था इनका हो गया है। तो फ्रेंड्स ये तो थे वो कैंडिडेट जिनने अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया था कि सर हमारी RTI लगा दीजिए, और हर किसी की RTI लग भी गई है। आप जैसे भी कोई कैंडिडेट रहा हो, मान के चलिए जिसका पेमेंट हो गया हो और उससे अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते नहीं आई हो, तो वो कमेंट करे, फिर मैं उसकी ईमेल आईडी को मैच करूंगा, यदि मैच हो रही है तो मैं उसको एक लिंक दूंगा जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाले, फिर मैं क्या करूंगा उसका भी RTI लगा दूंगा। हालांकि दो चार कैंडिडेट ही ऐसे होंगे, बाकी हर एक कैंडिडेट से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते बन जाती है। और दोस्तों और भी आपके मन में कोई क्वेरी हो डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, तब तक के लिए लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा, ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।